लव जिहाद के खिलाफ भारतीय कार्यकारी सेना ने चलाए मुहिम। चंदौली भारतीय कार्यकारी सेना ने हरियाणा में हुए निकेता तोमर की हत्या, तौसीफ और साथी को फांसी की मांग की। साथ ही लव जिहाद के खिलाफ पुतला दहन किया गया तथा साथ ही लव जिहाद को लेकर जिला कार्यकारी सदस्यों में काफी आक्रोशित दिखा। सुजीत कुमार चंदौली, खास रिपोर्ट। परिचय बताएं। मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह है, मैं भारतीय कार्यकारी सेना जिला अध्यक्ष चंदौली। अभी अभी आपने पुतला फूका, इसका कारण क्या है? कारण है कि आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल लव जिहाद के चलते जो है हिंदू बहन बेटियों की हत्याएं की जा रही है, उनके सपरेट किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले आतंकवादी आसपास लड़ाई लड़ते थे, लेकिन आसपास की लड़ाई में जब हिंदुस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान का कुछ नहीं कर सके, तो उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया लव जिहाद। लव जिहाद के माध्यम से वह जो है अपना धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम हिंदू लड़कियों को भाला फुसला करके उनके साथ इलाका करते हैं और उनकी हत्या करते हैं। तो उसी के खिलाफ हम लोग आज मुहिम चला रहे हैं कि लव जिहाद बंद किया जाए। और हरियाणा में बल्लभगढ़ में हुई निकिता मोहम्मद की हत्या के जो हत्यारे हैं, उन हत्यारों को फांसी दी जाए। और साथ ही में पूरे देशवासियों से, यानी कि जितने भी माता पिता हैं और भाई हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि वे अपनी बेटियों और बहनों को एक अच्छी शिक्षा दें और उन्हें बताएं कि फेसबुक ट्विटर पर किसी भी अनजान लड़कों के संपर्क में ना आए। फेसबुक ट्विटर ही नहीं है, इसके लिए ना आए और उनके बातों में ना आए, नहीं तो उनका भी हक जो है वही है। जो हुआ है वही उनके साथ ही होगा। और साथ ही मैं उन नमूनों से पूछना चाहूँगा जो हाथरस कांड में वहाँ जाने के लिए बेताब थे। एक तो भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद रावण और दूसरे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और तीसरे कांग्रेसी पप्पू और उसकी बहन, कहाँ मर गए हो सर? क्या निकिता किसी की बहन और बेटी नहीं थी? उसे न्याय नहीं चाहिए? आप सब ने तो जाने के लिए तो बेताब थे, लेकिन यहाँ क्यों नहीं जा रहे?